टेट 2019-20 का जो मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इस मामले को लेके जो नई फाइल हमने करवाई थी मंजू पांडे एंड 77 के नाम, आज उन पे केस स्टेटस बन गया और हमें डेट मिल गई है। और जो न्यू डेट मिली है वो न्यू डेट 18 सितंबर को है, ठीक है। और इस पे कल हेयरिंग है और मामला लिस्टेड है जिससे कि सीरियल नंबर 87 पे अपनी केस लगी है। तो अब कोशिश ये है कि भाई कल अगर सुनवाई हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और कोर्ट नंबर जो है वो 35 में है और जस्टिस माननीय मनोज कुमार गुप्ता जी हैं। और इस मनोज कुमार गुप्ता जी के कोर्ट बेंच नंबर 35 में लगा है अपना मामला और इस पे जितनी जल्दी हो सके सुनवाई हो। और कल फर्स्ट हेयरिंग है मंजू पांडे एंड 77 की, तो इसमें एक चांस ये बनता है कि अगली डेट जो मिले, जो मेन अपनी केस है यूपी टेट की, उस पे अगली डेट हेयरिंग मिलेगी और इसे ले जाके वहाँ टैग कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही अपने इस मामले की सुनवाई होगी। और जो जो भी यूपी टेट के छात्र भाई बहन, हम सभी लोग जो एक नंबर दो नंबर से रुके हुए थे, एक उम्मीद जगी है कि हम सभी आगे सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस पे नंबर बढ़ेंगे। तो कोशिश बिल्कुल जारी है और हम अपने तरफ से बिल्कुल लगे हुए हैं कि कहीं से भी कोई मामला ऐसा ना हो कि नंबर पे कोई काम रुके या कोर्ट पे कोई काम रुके। हम लोग अपने तरफ से बिल्कुल प्रयासरत हैं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने केस पे सुनवाई हो और नंबर दो नंबर चार नंबर जो बढ़ने हैं वो नंबर बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हैं एक नंबर दो नंबर से रुके हुए हैं। और एक उम्मीद जगी है कि जितने भी लोग एक नंबर दो नंबर चार नंबर से रुके हुए हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सुपर टेट की तैयारी करेंगे। हम बिल्कुल पूरी कोशिश 100% लगा के कोशिश करेंगे कि जो लोग रुके हैं वो ऊपर आएँ और सुपर टेट की तैयारी करें, ठीक। तो एक मामला ये भी है कि अगर यूपी टेट में जितने रैंक क्वेश्चन हैं, जैसे कि बताने के बावजूद भी लोग बार बार पूछते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दो नंबर कामन तो श्योर है, ठीक है। और जो रैंक क्वेश्चन सरसों है, वर्धा है, 356 रेंडियार, इन सब पे भी कोशिश बिल्कुल जारी है, क्योंकि ये प्रश्न गलत हैं और इनसे भी दो नंबर कैसे भी बढ़ेंगे। तो एक तरह से एक उम्मीद जगी है कि हमें 3 से 4 नंबर संभवतः ज़रूर मिलेंगे। और कल डेट लगी है, कल 18 सितंबर है, देखते हैं कल के डेट में क्या होता है। अगर कल सुनवाई होती है, बहस होता है, जिरह में देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या होता है, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा वो हम कल ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे और इसकी सूचना हम जारी कर देंगे। और एक उम्मीद है कि हमें जो मेन लिस्टेड केस सत्येंद्र कुमार यादव के नाम से है उस पे ज़रूर मिलेगी। और उस पे जिस दिन सुनवाई हो, जिस दिन डेट लगे, उस दिन समझिए नंबर श्योर बढ़ेंगे, 3 नंबर 4 नंबर। तो इस तरह से एक उम्मीद जगी है और हम सभी को एक तरह से खुशी का मौका है और जल्द ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कार्रवाई में। और जैसा भी होगा मैं कल आप लोगों को बता दूँगा।